नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय और आज फिर ग्रेटर नोएडा शहर के बरसात गांव में मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं। और बरसात गांव में बरसात के पानी से गांव के ग्रामीण पिछले लगभग 3 वर्ष से परेशान हैं। और यह गांव यहां यानी कि जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। गांव के लोग, गांव के बच्चे, गांव के बुजुर्ग, गांव की महिलाएं इस कीचड़ से गुजर करके जब बच्चे स्कूल जाते हैं, किसान खेतों तक पहुंचते हैं और युवा नौकरी करने जाते हैं, लेकिन जाना इसी कीचड़ से पड़ता है। और अनेकों बार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ताओं की यहाँ एक बैठक हुई और बैठक के तत्पश्चात प्राधिकरण पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी कुछ सजग हुए, कुछ जागे, कुंभकर्णी नींद से उठे। तो यहाँ इसके लिए टेंडर, इस समस्या के समाधान के लिए टेंडर जारी होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे जो है बजरी जो है डाल करके ठेकेदार ने इतिश्री कर लिया है, लेकिन अभी जो इसकी इस समस्या का समाधान मूलतः होना चाहिए उस समस्या से समाधान बहुत दूर है। गांव के जो मुख्य समस्या है वो ये है, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने ये आती है कि गांव के चारों तरफ के कामों को वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो गांव के मुख्य मार्ग है, आप देख सकते हैं महिलाएं किस तरीके से कपड़ों को ऊपर करके जो है निकल रही हैं। और कई बुजुर्ग महिलाएं, ग्रामीणों का कहना है कि कई बुजुर्ग महिलाएं जो है गिर करके यहाँ चोटिल हुई हैं, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों को कोई शर्म नहीं आती और ठेकेदार भी इस लापरवाह रवैये को बिल्कुल भी गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। और ग्रामीणों में इस समस्या के खिलाफ जो है काफ़ी रोष है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, मैं बुलाना चाहूँगा। क्या नाम है बाबूजी, इधर आ जाएं आप। सुबेराम। सुबेराम बाबूजी, कितने दिन से ये समस्या है? ये करीब 3 साल से समस्या है जी। अच्छा, तो जब यहाँ हम लोग आए और हम लोगों ने आप लोगों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया तो उसके बाद ये टेंडर जारी हुआ। हाँ, तो ठेकेदार जो है क्या लापरवाही बरत रहा है, क्यों नहीं करना चाहता इसको? पता नहीं जी क्या लापरवाही बरतता है, यहाँ काम नहीं करता, बार बार बोलते हैं, बोलने के बावजूद भी इधर जो है जब ज्यादा बोला तो ये जो आप ये जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा माल डाल गया 2 महीने पहले और इधर उधर के कामों को कर रहा, उन कामों को कर रहा है जहाँ बिल्कुल भी आवश्यकता 6 महीने भी नहीं पड़ती किसी आदमी के जाने की। मतलब मुख्यतः जो मार्ग है वो ये है, मुख्यतः मार्ग पूरे गांव का ये है, बाहर के काम कर रहा। अभी अभी ये आप देख सकते हैं जो माता जी के अंदर क्रोध है वो क्रोध किस तरीके से है। क्या नाम है माँ जी आपका? ऐसे 15 साल हो गए हमें पानी। क्या परेशानी है आपकी? हमारे घर में पानी भर रहा भाई, रास्ता ना हमें बिल्कुल भी। तो यहाँ जो अधिकारी आए कोई काम ना कर रहा हमारे यहाँ, कोई काम नहीं कर रहा। तो क्या आश्वासन दे जाते हैं जी एक दो दिन बनाएंगे और आते हैं नहीं। एक दो दिन जो ठेकेदार आए हैं उन ठेकेदारों से कहा नहीं आपने? खूब कहा, नहीं करते। अच्छा, करते ही नहीं है। तो अभी अभी आप लोग रोज इस कीचड़ से निकलना पड़ता है? 15 साल हो गए हमें। 15 साल? हाँ जी, किसी से पूछ लो। अब तो 3 साल से थे बिल्कुल डैमेज है। 3 साल से तो आपकी आपकी नजरों में आपका 3 साल से थे बिल्कुल डैमेज है। साथियों, मैं कहूंगा कि जो पूरा वीडियो दिखाए कितने लोग ग्रामीण यहाँ खड़े हुए हैं, जो गांव के लोग हैं उन लोगों में रोष है और तमाम सब लोग जो है गांव के यहाँ खड़े हुए हैं, गांव के लोग में जो है रोष है। और अभी जो बुजुर्ग महिला है, जो बुजुर्ग माता जी है, उन्होंने जब देखा कि यहाँ कुछ लोग इस रास्ते की बात कर रहे हैं तो उनका जो क्रोध है वो फूट पड़ा और वो कह रही है कि पिछले 15 वर्षों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन पिछले 3 साल से इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ जो है संज्ञान लेने नहीं आते। यहाँ के जो इंजीनियर हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस दफ्तर से बाहर निकल करके जो प्राधिकरण का 7 स्टार दफ्तर आप लोगों के लिए बना है उस दफ्तर से बाहर निकल करके गांवों की तरफ आए, अन्यथा जो जिस कीचड़ से ये बुजुर्ग महिला बुजुर्ग लोग जा रहे हैं उस कीचड़ में आप लोगों को चलवाने का काम हम लोग करेंगे। ये चेतावनी देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, या तो गांवों की समस्याओं की सुध ले लें,
अन्यथा अब हम लोगों का सब्र इतना टूट गया है, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये चेतावनी दे रहा हूँ कि या तो गांवों की समस्याओं का समाधान करें। रोज आप लोग अखबारों में इश्तहार निकालते हैं कि फला फला सेक्टरों के जीर्णोद्धार और फला फला सेक्टरों के पार्कों का इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन जिन गांवों की भूमि पर इस शहर को बसाया गया है, आज उस गांव के लोग अपने विकास के लिए शिशक रहे हैं। आज गांव अपने विकास की बाट देख रहा है और तमाम जो है कीचड़ इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन गांव की समस्याएं जस की तस है और ग्रामीणों में काफी रोष है। अगर इस समस्या का समाधान 2-4-6 दिन में नहीं होता है तो अगले सप्ताह ग्रामीण और हम सब लोग मिलकर के एक बड़े आंदोलन की तैयारी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे हम लोग करेंगे। यहाँ में जो बच्चे कैसे निकले स्कूल को ये बताना अधिकारी, रोज गिर रहे हैं बच्चे, रोज स्कूल को निकलने में दिक्कत हो रही है। ठेकेदार सुनाई नो कर रहा, रोज लापरवाही। बाबा जी जो बच्चे हैं वो कैसे जाते हैं स्कूल? बच्चे जाते हैं जी, 2-4 गिरते हैं, कुछ बड़े बड़े निकल भी जाते हैं इस खींच गारे में। बाकी छोटे जो बच्चे हैं वो तो बेचारे वो इतना बस्ता भारी का हो है वो गिर जाते हैं। जी जी जी, 2-4 चक्के इस रोज बच्चों के होते हैं, माँ बाप साथ जाते हैं जब भी बेचारे गिर जाते हैं। देखो महिला कैसे निकल कर रही है। साथियों आप देख सकते हैं कि महिलाएं और बच्चियां किस तरीके से इस कीचड़युक्त मार्ग से गुजर रही हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और यहां के जो ठेकेदार हैं उनका दिल बिल्कुल भी पसीज नहीं रहा। अभी तो ये बुजुर्ग महिलाएं आप देख रहे हैं और सुबह के समय तो आप जो है यहाँ स्कूली छोटे बच्चों को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से इस मार्ग से होकर के निकलते होंगे। यहाँ दुर्गंध और बारिश के इस मौसम में, ये बारिश अब तो बारिश हो रही है लेकिन बारिश से पूर्व में भी लगातार इस पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ संक्रमण रोग के खतरे का भी खतरा बना हुआ है और मच्छर मक्खियाँ और इस डेंगू के सीजन में डेंगू के काफ़ी मरीज इस गाँव में हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से ना कोई फॉगिंग की जा रही है ना कुछ किया जा रहा है, तो इस भारी समस्या के खिलाफ ग्रामीणों में काफी रोष है।